अब एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लॉगरिथम की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। तो लेट x इज इक्वल टू 68.95 मल्टीप्लाई 4.365 पावर 2। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड का हमने लॉग लेना है। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 68.95 मल्टीप्लाई 4.365 पावर 2। अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। वो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लॉग x मल्टीप्लाई y हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लॉग x और प्लस लॉग y, यानी दोनों में प्रोडक्ट था, लेकिन जब हम अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस साइन आएगा, यानी x और y के दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अलग अलग लॉग लगाएंगे तो बीच में प्लस आएगा, तो हम यही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास x की तरह है, ये y की तरह है, तो लॉग इसके साथ अलग लिखेंगे और दूसरे वाले के साथ लॉग हम अलग लिख देंगे, और इस मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास लॉग x इज इक्वल टू लॉग 68.95 प्लस आएगा यहाँ पर लॉग 4.365 पावर 2। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, लॉग 68.95 वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर पावर में हो लॉग के अंदर तो उस पावर वाले नंबर को, यहाँ पर क्या है पावर में 2 है हमारे पास, इसको लॉग के शुरू में लाएंगे, तो ये शुरू में ले आए तो ये आ जाएगा लॉग 4.365। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ रही है, लॉग x आ रहा है ऊपर से। अब हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाएं, आप लॉग का बटन प्रेस कर दें, तो फिर आप लिखें 68.95, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8385 प्लस 2। अब हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी लॉग का बटन आप प्रेस कर दें, 4.365, तो अभी हमारे पास आ जाएगा 0.63998 1.8385 प्लस, ये अब 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.27997। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है, तो ये आ जाएगा 1.8385 प्लस करने के बाद ये आ जाता है 3.1185। तो ये हमारे पास लॉग x की वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, x का आंसर फाइंड करना है। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे तो इस साइड जो लॉग है ये एंटी लॉग के साथ कैंसिल होगा और हम इसके साथ एंटी लॉग लिख देंगे, तो ये आ जाएगा, अब हमारे पास ये x आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये लॉग हमने क्यों ख़त्म किया, क्योंकि मैंने अब एंटी लॉग अप्लाई किया, एंटी लॉग उस साइड पे भी मैंने लिखा, यानी लॉग ऑफ समथिंग था, इसके साथ जब मैं एंटी लॉग यहाँ पर लिखूँगा, एंटी लॉग, तो यहाँ पर लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर x था तो x रह जाएगा, जिस तरह के हमारे पास ये रह गया है, तो अब ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3.1185। अब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब जो आपके पास आंसर आ चुका है इसका आपने एंटी लॉग लेना है कैलकुलेटर की मदद से। आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें और उसके बाद लॉग का बटन प्रेस कर दें, तो और जो आपके पास आंसर आया हुआ है 3.1185 ये लिख दें,
तो इसके बाद आप इक्वल प्रेस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1313.6। लेकिन बुक में आंसर 1314 है, तो उन्होंने इसको क्या किया है, राउंड ऑफ किया, 1314 बन जाएगा, क्योंकि जब इसको हम ड्रॉप करेंगे तो हम क्या करेंगे, वन इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 6-5 से बड़ा है, इसको जब हम ड्रॉप करेंगे तो हमने वन नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देना है, तो इस 3 के बजाय ये क्या बन जाएगा, 4, तो 1314। ये जहन में रखें कि आपका आंसर ये वाला भी ठीक है, कोई इसको गलत नहीं कह सकता। और जो आपके पास नंबर होगा इसको एज इट इज़ आप कैलकुलेटर में लिखते जाए, आपको जो आंसर मिलेगा आप वो लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बुक की तरह आप लाना चाहते हैं तो इसी तरह, क्योंकि यहाँ पर 0.6 आता है तो 6 ड्रॉप करके तो यहाँ पर वो आपने नेक्स्ट नंबर भी 1 ऐड कर देना है, इसको राउंड ऑफ कहते हैं, तो राउंड ऑफ हो गया है, तो हमारे पास एक्स का आंसर आ गया है 1314।